हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडेंट मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हो कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन हो रहा है और कौन कौन सी कक्षा के बच्चे आवेदन कर सकते हैं इसका पूरा डिटेल हम वीडियो में जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये आप सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल के सभी विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं और आप सभी के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि यदि इस प्रतियोगिता में चयन होने पर 2000 रुपये प्रति माह एक वर्ष तक स्कॉलरशिप मिलनी है। यानी आपको 2000 रुपये प्रति माह यानी एक साल के लिए आपको 24000 रुपये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। साथ ही बहुत ही सुनहरा मौका है कि राष्ट्रीय संस्थानों में 1 से 3 सप्ताह का भ्रमण, यानी आपको राष्ट्रीय संस्थानों में 3 सप्ताह तक भ्रमण का मौका मिलने वाला, घूमने का मौका मिलने वाला। फ्रेंड्स, ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला है, इसलिए जो पेरेंट्स देख रहे हो ये वीडियो अपने बच्चों के साथ में शेयर करें तथा उन्हें जानकारी प्रदान करें और इसका पूरा डिटेल हम वीडियो में जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसकी अंतिम तिथि निकट है, इसलिए आप शीघ्र से शीघ्र आवेदन करें। आप घर बैठे मोबाइल से भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के संबंध में हम इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। फ्रेंड्स, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पत्र है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का, जो 14 अगस्त 2023 को जारी किया गया है। इसमें विद्यार्थी विज्ञान मंथन प्रतियोगिता 2023-24 के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी गई है। हम इसको पूरा डिटेल से देख लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट एवं प्राइवेट स्कूल सभी स्कूलों के लिए है, सभी विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट के कर सकते हैं या प्राइवेट के, दोनों जो संस्थानों के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप विषय को देखेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हो कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन प्रतियोगिता 2023-24 के संबंध में और संदर्भ में आप देख सकते हैं कि माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग दिनांक 3/8/2023 के साथ में यह जानकारी इसमें दी गई है। आप देख सकते हैं कि उपरोक्त विषय अंकित एवं संदर्भित टिप तथा संलग्न पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार भारतीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन एवं विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 एवं 11वीं तक के छात्रों के लिए विद्यार्थी विज्ञान मंथन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। यानी फ्रेंड्स, जो कक्षा 6 में अध्ययनरत है उन बच्चों से लेकर कक्षा 11वीं में अध्ययनरत बच्चों तक सभी बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कक्षा 6 से 11वीं तक के सभी बच्चे आवेदन कर सकते हैं। उन सभी के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। और आपने देखा पत्र जो कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है और विद्यार्थी विज्ञान मंथन प्रतियोगिता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित होगी। यानी ये जो प्रतियोगिता है 3 चरणों में होने, प्रथम चरण विद्यालय स्तर पर होगा, द्वितीय चरण राज्य स्तर पर होगा और तृतीय चरण राष्ट्रीय स्तर पर होगा। जो प्रथम चरण विद्यालय स्तर पर होगा वो 29 से 31 अक्टूबर 2023 को होने वाला है और जो द्वितीय चरण राज्य स्तर का होगा वह दिसंबर 2023 में होगा। फ्रेंड्स, स्टडी एंड मोटिवेशन संबंधित समस्त नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो तृतीय चरण होगा वो 18-19 मई 2024 को होगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये प्रतियोगिता 3 चरणों में होने वाली है। इस पत्र का बिंदु क्रमांक आप 2 देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप के रूप में 2000 रुपये प्रति माह एक वर्ष के लिए एवं राष्ट्रीय संस्थानों में 1 से 3 सप्ताह तक का भ्रमण कराया जाए। यानी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, स्कॉलरशिप भी मिल रही है और साथ में राष्ट्रीय संस्थानों में भ्रमण का मौका, वो भी 1 से 3 सप्ताह तक यानी 7 दिन से लेके 21 दिन तक का भ्रमण का मौका मिल रहा है। जो विद्यार्थी इसकी आवेदन करना चाहते हैं इसका भी हम इसमें डिटेल देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी आवेदन करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके ज़िले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के प्राचार्य को निर्देशित करें कि विद्यालय के अधिकाधिक छात्र छात्राओं को www.vpm.com
org.in पर ऑनलाइन पंजीयन करें। यानी फ्रेंड्स, ये जो पत्र है ये जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के नाम से जारी किया गया है और आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा यह निर्देशित किया गया है जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को कि अधिक से अधिक विद्यालय में छात्र छात्राओं को जानकारी प्रदान की जाए एवं जल्दी से जल्दी उनका ऑनलाइन पंजीयन कराया जाए। अब पंजीयन की अंतिम तिथि की हम बात करें तो आप देख सकते हैं 15 सितंबर 2023 पंजीयन की अंतिम तिथि है। परीक्षा डिजिटल मोड से दी जा सकती है, यानी फ्रेंड्स आप मोबाइल कंप्यूटर एवं टैबलेट के माध्यम से घर बैठे परीक्षा दे सकते हैं। मतलब ये एक इस प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा है जो आप घर बैठकर प्रतियोगिता परीक्षा दे सकते हैं। और इस पत्र के बिंदु क्रमांक 3 को देखें तो इसमें लिखा है कि उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रति छात्र शुल्क राशि 200 रुपये है। इस राशि में से ₹30 मात्र विद्यालय कार्य हेतु संबंधित विद्यालय का अंश होगा। यानी फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थियों के लिए ₹200 शुल्क लगने वाला है। और फ्रेंड्स, आप जल्दी से जल्दी आवेदन करें, समय रहते हुए इसका आवेदन करें क्योंकि आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें, हम जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।